हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को हम 5 पार्ट में कवर करेंगे, जिसमें कि हम कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ एनसीईआरटी बुक की पांचों एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो 2.1 क्विक कॉन्सेप्ट रिव्यू में हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल होती क्या है, किसी पॉलिनोमियल में कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और टर्म्स क्या होती हैं जिसकी मदद से पॉलिनोमियल को बनाया जाता है। और इसके बाद हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल कितने प्रकार की होती है, और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, नंबर 1 पॉली, नंबर 2 नोमियल। पॉली मतलब होता है मेनी और नोमियल मतलब होता है टर्म्स। तो एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर मैनी टर्म्स हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले हमको समझना होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं। ओके, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि कुछ सिम्बॉल के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है, तो इस टाइप की एक्सप्रेशन को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पर सिम्बॉल क्या होते हैं उसे हम समझते हैं। इन एल्जेब्रा वी यूज टू टाइप्स ऑफ सिम्बॉल, नंबर 1 कॉन्स्टेंट, नंबर 2 वेरिएबल। तो हम 1 by 1 समझते हैं कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। तो नंबर 1 कांस्टेंट, इट इज़ अ सिंबल हुज वैल्यूज ऑलवेज रिमेंस द सेम वॉट एवर द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल 5 - 7, 3/2, पाई एक्सेट्रा। क्योंकि इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है इसलिए हम इनको कांस्टेंट कहते हैं। इज इट क्लियर? अब समझते हैं हम वेरिएबल्स क्या होते हैं। इट इज़ अ सिंबल whose value change according to the situation. For example, x, y, z, ये सारे के सारे variables हैं, या हम लिख सकते हैं x plus y, या 2x, या हम लिखें x upon y, like that. ठीक, अब यहाँ पर सारे के सारे हम variable use कर रहे हैं और इनकी value according to situations change होती रहती है, इसीलिए हम इन्हें वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल और कांस्टेंट को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। ओके, अन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई, ठीक, ये एक एक्सप्रेशन है जो कि सेपरेटेड है प्लस से। यहाँ पर हम दो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं एक्स और वाई। ठीक, तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। और भी हम एग्जांपल लेते हैं 2x - y। ठीक, अब यहाँ पर हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को भी यूज़ किया और जो कि अगेन सेपरेटेड है माइनस से, तो इस एक्सप्रेशन को भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। या हम लिखें 2x, ये भी एक एक्सप्रेशन है जो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, ये जो भी सेपरेटेड है प्लस से। तो इस तरह हम कई सारे एग्जाम्पल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बना सकते हैं जो कि सेपरेटेड हों प्लस या माइनस से। ठीक, तो इन सारे एक्सप्रेशन को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमने सेपरेट किया है एक्स और वाई को प्लस से, तो यहाँ पर एक्स हमारा टर्म्स कहलाती है। ठीक है, ये एक टर्म्स है, ये इसकी दूसरी टर्म्स है। इसी तरह यहाँ पर 2x एक टर्म है और वाई भी एक टर्म है जो कि सेपरेटेड है माइनस से। ठीक, इस तरह नंबर ऑफ टर्म्स मोर देन 2 भी हो सकता है, जैसे हम लिखें एक्स प्लस 2y - z। ठीक, यहाँ पर एक्स 2y और z को हम टर्म्स कहते हैं और जो कि सेपरेटेड हैं प्लस और माइनस से। ठीक, तो हम टर्म्स पर भी एक नोट्स बना लेते हैं। द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म्स। ठीक है, तो जो टर्म्स होती हैं वो प्लस और माइनस से सेपरेटेड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 2y - z, यहाँ पर x 2y और z टर्म्स हैं जिनको हमने सेपरेट किया है प्लस और माइनस से। ठीक, और इन टर्म्स के कॉम्बिनेशन से जो एक्सप्रेशन बनती है उसे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब चलिए हम पॉलिनोमियल की प्रॉपर डेफिनेशन को समझते हैं। पॉलिनोमियल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p(x)(a(n)(x)(n-1)(x)(n-1) + a(n-2)(x)(n-2) + up to + a(1)(x)(1) + a(0)(x)(0), where a(n) is not equal to 0।
ठीक है, यहाँ पर हम एन को लीडिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। अब इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का, ये थोड़ा देखने में टिपिकल लगता है, तो इसको आसान बनाने के लिए पहले हम एक एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम एक्स की ही एक पॉलिनोमियल लेते हैं और एक्स की पॉलिनोमियल की हाइएस्ट पावर हम एज्यूम कर लेते हैं सपोज 5, ठीक है, ये मैक्सिमम पावर है। तो इसके बाद की जो टर्म्स होंगी वहाँ पर एक्स पावर 5 नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर एक्स पावर 5 की अलग दूसरी टर्म लिखी तो वो इसके साथ मर्ज हो जाएगी, ठीक। तो हम इससे बड़ी टर्म पावर भी नहीं ले सकते क्योंकि हमने हाईएस्ट पावर 5 एज्यूम कर लिए, तो इसके बाद की जो टर्म्स होंगी वो हाईएस्ट पावर 5 से कम की होंगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं 4, एक्स टू दी पावर 4, ठीक है, और भी हम टर्म ले लेते हैं सपोज 2, एक्स टू दी पावर 3, और टर्म हमने ले लें सपोज 6, एक्स की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर हम पावर को रिड्यूस करते जा रहे हैं, ठीक है, अगर हमने सेम पावर ले ली तो वो आपस में ऐड हो जाएंगे। इसके बाद की जो टर्म होगी वो मान ली हमने सिंगल x है, और देन x पावर 1 के बाद जो टर्म होगी वो होगी x की पावर 0, जो कि 1 हो जाता है, तो कांस्टेंट ही बचेगा, तो हम यहाँ पर कांस्टेंट ले लेते हैं सपोज फॉर एग्जांपल 2, ठीक। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है x, जिसकी हाईएस्ट पावर 5 है, और इसके बाद इसकी पावर हमने डिक्रीज करते हुए यहाँ लिखी हुई है, ठीक। अब इनको हम सेपरेट कर देते हैं प्लस या माइनस से, तो हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं प्लस, यहाँ यूज़ कर लेते हैं माइनस, यहाँ यूज़ कर लेते हैं प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर अगेन प्लस, ठीक। यहाँ पर कोई भी जरूरी नहीं है कि अल्टरनेट में हो सकता है ये थ्रू आउट पॉजिटिव हो सकता है थ्रू आउट नेगेटिव हो, या फिर माइनस प्लस का जो साइन है वो किसी पोजिशन पर आ सकता है, ठीक। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो x की पावर 5 है इसका कोफिशियंट या कुछ नहीं है, या हम बोलें इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो वो क्या होता है डिफ़ॉल्ट, वो होगा 1, ठीक। अब यहाँ पर x की पावर 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है 4, यहाँ x की पावर 3 के मल्टीप्लिकेशन में है -2, यहाँ पर x की पावर 2 के मल्टीप्लिकेशन में है 6, यहाँ x के मल्टीप्लिकेशन में है -1, और ये जो 2 है वो x की पावर 0 के मल्टीप्लिकेशन में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 और x की पावर 5, क्योंकि हम वेरिएबल जो यूज़ कर रहे हैं वो x कर रहे हैं, तो इस 1 को हम बोलते हैं कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ x की पावर 5। इसी तरह इस 4 को हम बोलेंगे कोफिशियंट ऑफ x की पावर 4। इसी तरह हम -2 को बोलेंगे कोफिशियंट ऑफ x की पावर 3, ठीक है। तो ये चीज़ हमको क्लियर हुई कि कोफिशियंट होता है क्या है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं कोफिशियंट, ठीक है। और ये जो कोफिशियंट है इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट, ओके, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे यहाँ 1 है तो ये 1 ही रहेगा, 4 है तो 4 ही रहेगा, -2 है तो -2 ही रहेगा। तो ये 1, 4, -2, +6, -1, 2, इन सब को हम बोलते हैं कांस्टेंट, जो कि एक रियल नंबर्स है, ठीक है, जो कि क्या है यहाँ पर रियल नंबर है। और जो हमने वेरिएबल लिया है इसकी पावर, यहाँ पर है 5, यहाँ है 4, यहाँ पर है 3, ये 2, ठीक। ज़रूरी नहीं है ये सब ऐसे ही हो, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है इसमें से कोई एक पावर ना भी हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक। अभी हमने समझने के लिए इस तरह का एग्जांपल बनाया है। तो यहाँ पे जो x की पावर है ये सारी की सारी नेचुरल नंबर्स होती हैं, ठीक है। तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिखें जिसकी पावर x पावर जैसे हमने लिया -1, तो इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो x की पावर है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोफिशेंट, या जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट, वेरिएबल्स, और जो कि सेपरेटेड हैं प्लस और माइनस से, इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। यह मस्ट कंडीशन क्या है, एक तो x की पावर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और जिस पॉलिनोमियल को हम लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है पॉलिनोमियल ऑफ x टू दी पावर 5, तो x की पावर 5 का जो कोफिशियंट है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने लिखा था पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म, यहाँ पर हमने बोला था कि an इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इसे बोल रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है वो हाईएस्ट पावर x की पावर 5 की है, तो इसका जो कोफिशियंट है वही यहाँ पर an कहलाए, हम इस पर ध्यान दें। तो यहाँ पर x की पावर हाईएस्ट n है जिसका कोफिशियंट है an, तो यहाँ पर an को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल का एग्जांपल हमने बनाया है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 5 है तो इसका कोफिशियंट कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर यही ज़ीरो हो गया तो ये जो पॉलिनोमियल है वो x पावर 5 की नहीं कहलाएगी, ये इससे छोटी वाली पावर की कहलाएगी, वो कहलाएगी x की पावर 4 की,
ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हमको ध्यान देनी है। अगर कोई जो पॉलिनोमियल है उसकी जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये हमको ध्यान देना है। ठीक, अब इसकी हम आगे की डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने लिखा है एंड ए ज़ीरो ए वन ए टू अप टू एन आर रियल नंबर, ओके, एंड ईच पावर ऑफ एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। ठीक, तो यहाँ पर जो रियल नंबर है ए ज़ीरो ए वन ए टू अप टू एन, इनको हम कांस्टेंट भी कहते हैं, और एक्स की जो पावर है वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए या नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पर ए एन ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू जो कि कोफिशेंट हैं ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन एक्स टू की पावर एन माइनस टू के, अभी हमने इस एग्जाम्पल की मदद से समझा कि कोफिशेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, और इन कोफिशेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से जो टर्म बन रही है, जो एक्सप्रेशन बन रही है, उसे हम बोलते हैं टर्म्स। तो यहाँ पर हमारे ए एन एक्स टू की पावर एन ए एन एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, इन सभी को हम टर्म्स कहेंगे पॉलिनोमियल्स की। ठीक, तो अब इसकी पूरी डेफिनेशन को हम प्रॉपर रीड करें तो हमको क्लियर हो जाएगा कि पॉलिनोमियल होती क्या है। आई होप कि इस एग्जांपल की मदद से आपको ये क्लियर होगा। ठीक, एक दो बार इसको समझना होगा, देन हमारी पॉलिनोमियल पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर हमने पी ऑफ एक्स लिखा था, तो ये जो वेरिएबल जो पॉलिनोमियल थी वो एक्स की थी, ज़रूर नहीं है यहाँ पर एक्स हो, यहाँ पर कोई दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है। ये वेरिएबल ही बताता है कि इस पूरे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है, और इसके अदर जो भी हम वेरिएबल यूज़ करेंगे वो सारे एज अ कॉन्स्टेंट होंगे। जैसे हम एग्जाम्पल बनाएं पी ऑफ, और यहाँ पर हम कुछ वेरिएबल ले लेते हैं जैसे x प्लस टू वाई, ये हमने दो टर्म्स का एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बनाया। अगर मैंने यहाँ पर x यूज़ कर लिया तो यहाँ पर टू वाई एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे हम। ठीक, और यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर x, यहाँ पर हमने अगर हमने टू वाई यूज़ किया तो यहाँ पर x को हम एज अ कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे, तो जो पॉलिनोमियल होगी वो y की होगी, और यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो x की होगी। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि जो पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल की है। इसके हम और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं, जैसे p ऑफ x, इसका एग्जांपल तो अभी हमने ले ही रखा है क्योंकि x की पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरह हमने y की पॉलिनोमियल के लिए हम p ऑफ y यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो y होगा और बाकी जो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं वो एज अ कॉन्स्टेंट होंगे। यहाँ पर p ऑफ z में जो पॉलिनोमियल है वो z की कहलाएगी, और बाकी सारे जो वेरिएबल्स होंगे उनको हम कॉन्स्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, अब इसके बाद जो भी हमारा थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होगा वो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद सारे का सारा क्लियर होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो इन जनरली पॉलिनोमियल्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, नंबर वन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर टू बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। सबसे पहले हम देखते हैं मोनोनोमियल, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स एक ही हो, तो उस टाइप की पॉलिनोमियल को हम मोनोनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पर सिंगल टर्म ही हम यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो इस ये सिंगल टर्म के कारण इसे हम रीड करेंगे मोनोनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोनोमियल्स, मोनो मीन्स वन। ठीक, तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये सिंगल हैं इसलिए इनको हम मोनोनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं बाइनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। ठीक, तो ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स टू हो तो उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, तो इसे यहाँ पर पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स टू हैं, यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है एक्स की जिसके अंदर अगेन नंबर ऑफ टर्म्स टू हैं, यहाँ पर आर ऑफ वाई एक पॉलिनोमियल है वाई की जिसके अंदर अगेन नंबर ऑफ टर्म्स टू हैं। ठीक है, अब नंबर थर्ड देखते हैं ट्रीनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्रीनोमियल। ठीक है, तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर थ्री टर्म्स हो उसे हम बोलते हैं ट्रीनोमियल। तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल हमको गिवन है एग्जांपल में पी ऑफ एक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स थ्री हैं इसलिए हम इसे बोलेंगे ट्रीनोमियल। ठीक, एक और एग्जांपल है इसका क्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्म्स थ्री हैं तो इसे अगेन हम बोलेंगे ट्रीनोमियल, और मोर देन अगर थ्री टर्म्स हैं तो उसे हम बोलते हैं मल्टीनोमियल। इज दैट क्लियर? हमको इस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स का यूज़ कम है इस चैप्टर में, हमको मैक्सिमम यूज़ होगा बेस्ड ऑन डिग्री पे। तो अब समझते हैं हम बेस्ड ऑन डिग्री।
तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि डिग्री क्या होती है. तो पहले हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज नॉन एज इट्स डिग्री. फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ एग्जांपल ले रखे हैं, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 2y² - 3y + 7. ठीक, अब इस जो पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है. ठीक है, हाईएस्ट पावर सॉरी यहाँ पर 2 है. तो यहाँ पर जो ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 होगी. मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं. इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल वाई ऑफ डिग्री 2. ठीक है, सेकंड एग्जांपल है हमारा क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2x + 13x⁴ + 5x⁶. अब यहाँ पर जो वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं वो एक्स, और एक्स की हाईएस्ट पावर है यहाँ पर 6. तो इस पूरी पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स की जो डिग्री होगी वो कहलाएगी हमारी 6. इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री 6. इज दैट क्लियर? बस हमको यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर या एक नेचुरल नंबर ही होना चाहिए. ठीक, जैसे यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है √2 × 1/2, बट ये एक कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है. तो कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो सकती है, नो इश्यू, बट जो वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए. तो इस तरह इन डिग्री पे बेस्ड कुछ एक्सटेंडेड पॉलिनोमियल्स होती हैं. जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री 0 हुई तो उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो नंबर वन हम देखें कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वो 0 होगी, तो उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल. जैसे कि हमने एग्जांपल बनाया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी. ठीक, क्योंकि ये पॉलिनोमियल एक्स की है तो जो भी अदर वेरिएबल यहाँ यूज़ होगा वो एज अ कांस्टेंट होगा. तो ये जो पॉलिनोमियल है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है. ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर किसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 हो तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. तो लीनियर पॉलिनोमियल की क्या पहचान है? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है. तो यहाँ पर हमारा एक एग्जांपल है, पॉलिनोमियल हमने ले रखी है एफ ऑफ एक्स की. तो एक्स की यहाँ पर हम पावर देखें या डिग्री देखें वो है 1. ठीक, तो इसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल. और यहाँ पर ए और बी हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. ठीक, अभी हमने स्टार्टिंग में भी समझा था कि जो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए. अगर यहाँ पर ए 0 हो गया तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगी क्योंकि ये कंप्लीट टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगा. अगर ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक, तो यहाँ पर हमने एफ ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल ले रखी है जिसमें हाईएस्ट पावर एक्स की 2 है. तो ये एग्जांपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हुआ. यहाँ पर एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब इसकी डिग्री हाईएस्ट 2 है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे. ठीक, तो यहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0. अगर यहाँ पर ए 0 हो गया तो जो पॉलिनोमियल होगी उसमें हाईएस्ट पावर एक्स की 1 हो जाएगी जो कि लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी, फिर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी. ठीक है, इसी तरह जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 हो तो उस तरह की पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. इसका हमने एग्जांपल यहाँ ले रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax³ + bx² + cx + d. यहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0. अगर ये 0 हो गया तो जो गिविन पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी. ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 हो. तो इस तरह हमने इसका एक एग्जांपल भी ले रखा है a × x⁴ + bx³ + cx² + dx + e, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाती है. अब इस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के बाद हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सॉल्व करते हैं जो कि इस थ्योरी पे बेस्ड है. एक्सरसाइज नंबर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not, state reason for your answer. ठीक है, तो इसमें हमको ये 5 problems given है, 1 by 1 इनसे सॉल्व करते हैं. तो इसमें हमको पहले नंबर की प्रॉब्लम है जिसमें हमको polynomial given है 4x² - 3x + 7. ठीक, तो हमसे पूछा गया है which of the following expressions are polynomial in one variable. ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आंसर होगा यस, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्योंकि पूरी ही पॉलिनोमियल के अंदर एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है जो कि एक्स है, और साथ साथ इस एक्स की जो पावर है वो एक पॉजिटिव इंटीजर से, या जिसे हम होल नंबर भी कह सकते हैं या हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर. तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमको एक्सप्रेशन गिवन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखें तो यहाँ पर हमको एक वेरिएबल गिवन है जो कि है वाई, और इसकी पावर एक नेचुरल नंबर है या इसकी पावर एक होल नंबर है. तो ये भी एक जो एक्सप्रेशन हमको गिवन है ये भी पॉलिनोमियल
इन वन वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखें तो यहाँ पर जो हमको वेरिएबल गिवन है टी, ये सिंगल वेरिएबल में तो हमको गिवन है ये एक्सप्रेशन, बट इसकी पावर एक रेशनल नंबर है, मतलब हम टी को लिख सकते हैं टी टू दी पावर 1/2। ठीक है, 3 × t^2 प्लस टी इंटू रूट ऑफ 2, जो कि होल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता, या हम कहें कि ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड एक सिंगल वेरिएबल की पॉलीनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं, जो कि सिंगल वेरिएबल में तो हमको गिवन है, बट यहाँ पर जो वेरिएबल है वाई, इसकी पावर नेगेटिव है, हम इस सेकेंड टर्म को 2 × y^-1 लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि y की पावर -1 है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पॉलीनोमियल्स का एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को भी देखें, क्योंकि यहाँ पर अब तीन वेरिएबल यूज हैं x, y और t, क्योंकि पॉलीनोमियल जो इक्वेशन होती है वो सिंगल वेरिएबल में होती है, और यहाँ पर हमको 3 वेरिएबल्स गिवन है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 भी पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। इज इट क्लियर? अब इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर नोट कर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमको इन सारी जो हमको प्रॉब्लम्स गिवन है 4, इसमें कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, अब हमको कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है, तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिख रहा इसके मल्टीप्लिकेशन में, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ 1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका, तो यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा हमारा -1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हम देखें तो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ π/2, और क्वेश्चन नंबर 4 हम देखें तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है, बट हम इसको प्लस ऑफ 0 × x² लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस जो भी यहाँ पे साइन हम लेना चाहें, क्योंकि ओवरऑल टर्म तो 0 हो ही जाएगी, बट हमको यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है, जो कि हुआ 0। इज इट क्लियर? अब इसे आप प्रॉपर नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, तो डिग्री क्या होती है, हम जानते हैं कि वेरिएबल के हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। हमको एक बाइनोमियल का इसमें एग्जांपल बनाना है, तो बाइनोमियल मतलब जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं एक्स, और दूसरा क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 35 होना चाहिए, तो एक्स टू द पावर होगी 35, और ये जो है एग्जांपल बाइनोमियल का होना चाहिए, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे। अब x टू द पावर 35 होने के बाद हम सेकेंड टर्म कुछ भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया x की पावर 34। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल हुआ ये बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का हुआ, तो डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जो कि होगी 35, और बाइनोमियल होने के कारण इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 2। ठीक है, और सेकेंड एग्जांपल हमको बताना है मोनोनोमियल, तो मोनोनोमियल हम जानते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म हो, और उस एक टर्म पर डिग्री होना चाहिए 100, तो हम एग्जांपल बना सकते हैं x टू द पावर 100। इसे हम मोनोनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स 1 है और इसकी हाईएस्ट डिग्री 100 है, जो कि हमको क्वेश्चन में कहा गया था। तो ये एग्जांपल जो बना वो मोनोनोमियल का हुआ, और ये जो एग्जांपल हमने बनाया है ये बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का हुआ। ठीक है, ऐसे हम कई एग्जांपल्स बना सकते हैं जिसे हमको एक टर्म तो फिक्स करना ही होगा, जो कि होगी x टू द पावर 35। ठीक, अब यहाँ पे हम इसके साथ कोई कॉन्स्टेंट भी ले सकते हैं या कोफिशेंट भी ले सकते हैं, प्लस ऑफ यहाँ पर हम लिख सकते हैं x, तो ये भी एग्जांपल बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का हुआ। ऐसे हम कई सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसे आप प्रॉपर नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। ठीक है, हमको इन सारी पॉलीनोमियल्स की डिग्री बतानी है, तो हम जानते हैं डिग्री होती क्या है, डिग्री वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। तो इसका केस नंबर 1 देखें तो इसमें जो कि है 5x³ + 4x² + 7x। ठीक, जो कि x वेरिएबल की पॉलीनोमियल है और x की यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री हो गई यहाँ पर हमारे पास 3। इज दैट क्लियर? सेकेंड को समझें, तो ये गिवन है हमको 4 − y², तो वेरिएबल यहाँ पर जो यूज़ है वो y है, मतलब ये जो पॉलीनोमियल है वो y की है, और इस वेरिएबल y की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री भी होगी 2। ठीक, इसके क्वेश्चन नंबर केस नंबर 3 को देखें,
जो कि है 5t - √7। तो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ है वो टी है और टी की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, तो इसकी जो डिग्री हुई वो हुई 1। ठीक, इसका केस नंबर 4 को देखें तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिंपल यहाँ पर एक कांस्टेंट दिया गया। तो हम इस कांस्टेंट को कुछ ऐसा लिख सकते हैं 3 × x^0। तो यहाँ पर वेरिएबल हो गया हमारा x और इसकी पावर हो गई 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 की डिग्री होगी हमारी 0, क्योंकि हम इस 3 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? अब इसके सॉल्यूशन को आप प्रॉपर नोट कर लीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्लासिफाइड द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हमको ये बताना है इन क्वेश्चंस में कि कौन सी इक्वेशन या कौन सा एक्सप्रेशन इसमें लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। ठीक, तो हम जानते हैं लीनियर एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी और क्यूबिक के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी। तो इसका केस नंबर 1 है जो कि है x² + x। तो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है वो x है, तो जो ये पॉलिनोमियल है वो x की है और इसकी हाईएस्ट पावर क्योंकि 2 है तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल है ये क्वाड्रेटिक का है। इज दैट क्लियर? इसके केस नंबर 2 को देखें जो कि ये x - x³। अगेन ये x की पॉलिनोमियल है और यहाँ पर वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक, केस नंबर 3 देखें जो कि है y + y² + 4, जो अगेन एक y की पॉलिनोमियल है और y की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके केस नंबर 4 को देखें जो कि वह है 1 + x, यहाँ वेरिएबल x है और इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हुई। इसी केस नंबर 5 को देखें जो कि हमको सिंगल टर्म गिवन है जो कि है 3t, वेरिएबल यहाँ पे t है और t की हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसके केस नंबर 6 को देखें, इसके अंदर भी नंबर ऑफ टर्म 1 ही गिवन है जो कि है r² और क्योंकि यहाँ वेरिएबल r यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब ये r की पॉलिनोमियल होगी और इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। ठीक है, एंड लास्ट देखें जो कि ये 7x³, वेरिएबल है यहाँ पर x और x की हाईएस्ट पावर है 3, तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये क्यूबिक है। ठीक है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो हम यहाँ पर हाईएस्ट पावर बोलें या हम डिग्री बोलें, बोथ आर सेम, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू जो कि हमारी डिग्री कहलाती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप प्रॉपर नोट कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल को सजेस्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।